ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिस पे मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखूंगी कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, अभी फ़िलहाल सिचुएशन में क्या चल रहा है उनके दिमाग में, एंड देन आई विल मेक पुल सम लव मैसेजेस उनकी तरफ से लव मैसेजेस निकालेंगे एंड फाइनली आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स। सो जितनी आपसे जनरल रीडिंग है, सो जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लेना, कुछ भी अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ज़बरदस्ती। और जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है या बहुत बार आए हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आई रिक्वेस्ट यू। और जल्दी से हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव नोट पे, ठीक है। सो लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आइए देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स ऑफ लिब्रा के पार्टनर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टेन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की है, और फिलहाल भी मुझे ऐसा लगता है वो अभी इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आए हैं, या तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा या तो प्रेफरेंस दे रखी है उन्होंने अपनी लाइफ में, कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, या तो काम को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया था उन्हें, उसी को ही प्रेफरेंस दे ही जा रहे थे, उसी के ही पीछे भागे जा रहे थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, या फिर अपनी किसी गलत आदत या अपनी खुद की माइंड की नेगेटिविटी के पीछे ज़्यादा परेशान थे और उसी को ही प्रेफरेंस दे ही जा रहे थे। टेन ऑफ कप से दिख रहा है कि उन्होंने ये जो भी आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप था उसको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाया, बहुत ज़्यादा ख़राब किया उसे, और आपको और किसी और पर्सन के साथ शायद एक तरह की जगलिंग करी, आपको एक ऑप्शन की तरह उन्होंने ट्रीट करा। ये चीज़ें सारी की सारी ना उनको पता है लिब्रा, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है और उन्हें दिख नहीं रही हैं, ये बहुत क्लियर हैं उन्हें सारी चीज़ें, बहुत क्लियर से उन्हें पता है, और ये सब कुछ पता है उन्हें कि उन्होंने कितना ज़्यादा गलत किया है आपके साथ, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इंटेंशन वाइज ये है कि पीछे की बातों को सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने सेल्फिश होकर उन्होंने अपने बारे में सोचा, और बिल्कुल भी इस रिश्ते में आपको वो एफर्ट नहीं दिया, वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं, और जहाँ पर आपको कोई चीज़ आपके लिए एक स्टैंड लेना था, आपको एक नाम देना था रिलेशनशिप को, इस रिश्ते में आगे बढ़कर एक आपको वो हक देना था, तो ये पीछे होकर बैठ गए और बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखाए, जबकि आप हमेशा इनके साथ भविष्य के सपने बुनते रहे, आप सोचते रहे कि किसी तरह मैं इस पर्सन को अपना बना लूं और इसके साथ आगे की लाइफ चलाऊं, लेकिन इस इंसान ने शायद आपको वो स्टेबिलिटी ही नहीं दी और बहुत ज़्यादा इन्होंने सिचुएशन को ख़राब किया, ये दिख रहा है मुझे। मे बी आप चाहते हों ये कि शायद धीरे धीरे ये एक स्ट्रेंथ जो इनके अंदर नहीं थी वो लेकर आएं वापस, और शायद चीज़ों को ये ठीक करें, ये जगलिंग को बंद करें जो इन्होंने किसी और के साथ आपको किया है, या आपको ऑप्शन बनाने की जो कोशिश की है। इन्हें अपनी चीज़ों का बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है जो मुझे दिख रहा है लिब्रा, बहुत अच्छे से इन्हें हर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि इन्होंने जो जो गलतियाँ की थी, जो जो इन्होंने बिहेव किए आपके साथ, या आपको जो बुरा फील कराया। आइए देखते हैं लव मैसेजेस आपके पार्टनर के। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, तो आपने हमेशा लिब्रा उनकी मदद की है, हमेशा आप आगे खड़े रहे उनकी हेल्प के लिए। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, उनकी फैमिली के लिए आपने उनको हमेशा समय दिया, टाइम दिया, रिस्पेक्ट किया।
यू आर क्यूट एंड अडोरेबल, तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्यूट एंड अडोरेबल कह रहे हैं, आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं अंदर से, ठीक है। सो अब देखते हैं, डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं लिब्रा राशि के लिए, क्या है डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम फॉर लिब्रा राशि, आइए देखते हैं। सो लिब्रा कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। सो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप ये जो भी लाइफ में जो ड्रामा चल रहा है ना, इससे ऊपर उठो यार, इससे बाहर निकलो। ये जो भी इंसान, अगर चाहे वो ये हो चाहे वो कोई और हो, अगर कोई भी किसी भी तरह का आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करो, ठीक है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, रास्ता बनाओ एक अपनी अच्छी एनर्जी के लिए, ठीक है। और देखो क्या कहते हैं, लाइट एक्टिवेशन, सो शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। सो कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो एक रियलिटी है ना, उसको जानने की कोशिश करो कि आप क्या चाहते थे और क्या हो रहा है, और थोड़ा सा देखो कि आपको ऊपर वाला कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, आप कहीं कुछ और तो नहीं कर रहे जो आपको करना नहीं चाहिए और आप कोई और ही रास्ते पे निकल रहे हो, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, होप आप इसे रेजोनेट कर पाए हों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, क्लेम करना एनर्जी को। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना। बाय फॉर नाउ।